नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपगढ़ ज्योति न्यूज चैनल। मैं आपके साथ रितिका अग्रवाल। चुनावड़ से हमारे संवाददाता महेंद्र परवाना ने बताया कि चुनावड़ से 26 जीजी ढाणी की लीक रोड पर शनिवार दोपहर को कस्बे के वार्ड नंबर 2 के बाइक पर सवार दो युवक खेत से घर लौट रहे थे कि रास्ते में पुलिया के जंप लगने से बाइक अनियंत्रित होकर खेत की तार बंदी के पोल से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त होने से एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। घायल को चुनावड़ के सरकारी अस्पताल में उपचार दिया गया। जानकारी के अनुसार गांव के वार्ड नंबर 2 का मृतक रोहित कुमार उम्र 13 साल पुत्र कुलदीप कुमार नायक और उसके चाचा भजन लाल का लड़का सुनील कुमार बाइक पर खेत से घर लौट रहे थे कि रास्ते में पुलिया के जंप लगने से बाइक अनियंत्रित होकर खेत की तार बंदी को तोड़ती हुई पोल से जा टकराई, जिसे बाइक चालक रोहित के खेत की तार बंदी की कंटीली तारें उसके शरीर में बैठ गई और पीछे बैठे चाचा के लड़के को मामूली चोटें लगी। दोनों घायल अवस्था में काफी देर तक घटनास्थल पर ही कहराते रहे। काफी देर बाद किसी राहगीर ने उन्हें संभाला और उनके परिजनों को सूचना दी। दोनों घायलों को लोगों ने चुनावड़ के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। वहां डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया व दूसरे को उपचार दिया गया। इस घटना को लेकर गांव में शोक का सन्नाटा छाया हुआ है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हुआ।